देश भर में आए दिन हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में रोष नजर आ रहा है। गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोष जताते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। देश भर में आए दिन हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में रोष नजर आ रहा है। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोष जताते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में हिंदूवादी संगठनों ने बताया कि पिछले कुछ समय से देश भर में धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मजहब विशेष द्वारा योजनापूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा और भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव श्री राम नवमी पर प्रदेश भर में शोभा यात्राओं पर पथराव और हमले किए गए। इसके बाद भी कई स्थानों पर हनुमान मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। उन्होंने बताया कि हिजाब विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उन्होंने अन्य मामलों का जिक्र करते हुए हाल ही में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को लेकर पिछले दो शुक्रवारों को जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से हमले करने और हिंदुओं के घरों, दुकानों और वाहनों को क्षति पहुंचाने की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की। इन सब घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए बजरंग दल ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं कारित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो हर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद में हर जगह ये जो पत्थरबाजियां हो रही है और जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको ये तोड़ने की जो की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हम ये आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस प्रकार की पत्थरबाजी दूसरी इस प्रकार की नहीं करें। जो शांतिपूर्ण माहौल इस पूरे भारतवर्ष में है उसको बनाए रखें, इसमें भलाई है। और यदि ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की संपत्ति का ही नुकसान हो रहा है। तो उसके खिलाफ हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं श्रीमान कलेक्टर साहब को और सभी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी उपस्थित। बजरंग दल ने ज्ञापन में तबलीगी जमात PFI समेत अन्य संस्थाओं पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए इन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गुरुवार को ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।